तुम्हारे पास दिल नहीं है। कैसे बताऊं कि मेरे पास दिल है और वो धड़कता भी है सिर्फ तुम्हारे लिए। इस अवार्ड की खुशी में मैं भी उस शख्स को अवार्ड देना चाहता हूँ। थैंक यू रिबा। Please, can you leave me alone? अब तक ऐसा नहीं हुआ कि मुझे बगैर बताए वो ऑफिस से गई। तलाल कभी फोन आया था, वो परेशान हो रहा था। पागल है क्या वो? डरा ही दिया तुमने। अरे तुम क्या किसी से डरोगी? तुम तो खुद लोगों के डराने के काम आती हो। यार हर वक्त तंग करते रहते हो मुझे। खैर ये बताओ कि इतनी रात की तारीकी में क्यों यहाँ पर चुड़ैल बनकर बैठी हुई? अंदर दिल घबरा रहा था तो बाहर आ गई। और तुम बताओ, तुम रात की तारीकी में जिन बनकर मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? सेम इशू। क्या मतलब? ऐसे ही बस, मेरा भी दिल घबरा रहा था इसीलिए यहाँ आ गया। हर चीज में मेरी कॉपी करना तुम। अरे यार इसमें कॉपी करने की क्या बात है? क्या मैं इंसान नहीं हूँ, या मेरे पास दिल नहीं है, या मेरा दिल नहीं घबरा सकता? तुम्हारा दिल पत्थर या लोहे का है अगर है तो। वैसे तुमने कभी जाने की कोशिश ही नहीं की मेरे पास दिल है या नहीं। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि तुम। अच्छा छोड़। क्या क्या, क्या मैं क्या क्या छोड़ो, बात पूरी करो। ये कह रही थी कि तुम्हारे पास दिल नहीं है। ये क्या बात हुई यार? मेरे पास वाकई दिल नहीं है और ना ही मेरे पास दिमाग है। तो अच्छा चांस गवा दिया। अब मैं कैसे बताऊं कि मेरे पास दिल है और वो धड़कता भी है सिर्फ तुम्हारे लिए। रियली बेटा, मैं तो मजाक समझ रही थी। वो है कैसे? फरीन से ज्यादा खूबसूरत है। मम्मी, कहा ये जाता है कि हुस्न तो देखने वालों की आंखों में होता है। अच्छा मुझे कंफ्यूज मत करो, दुल्हन को लोग अपनी नजरों से देखेंगे, तुम्हारी नजर से नहीं। पहले पसंद तो मैं ही करूंगा ना। वो भी एक अजियतनाक इंतजार के बाद मिलवाओगे तुम मुझे उससे? सच में मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तुमने 2-3 बार हमें इशारों में बताने की कोशिश की और मैं और तुम्हारे बाबा यही समझते रहे कि तुम हमें बच्चा समझ के बहला रहे हो। मैंने तो आपसे हमेशा ये कहा था, जब भी कोई लड़की नजर आएगी, मिलेगी, सबसे पहले आप ही को बताऊंगा। अगर तुम्हें ऐसी कौन सी खास बात चाहिए अपने लाइफ पार्टनर में जो किसी और लड़की में तुम्हें नजर नहीं आती? माँ हूँ तुम्हारी, बताओ ना मुझे। इसीलिए तो आपको बता रहा हूँ। खास बात क्या है सच पूछिए, मुझे भी नहीं मालूम। मगर इस बात का यकीन था कि जब भी कोई मेरी जिंदगी में आएगा, बड़ी खामोशी से आएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे फूल के ऊपर शबनम आती है। अच्छा बेटा, मुझे मिलवा कब रहे हो, जल्दी से बताओ। बहुत जल्द। मैं बहुत खुश हूँ तलाल, बहुत खुश। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो। देखो बेटा, मैं तो यहाँ 4 दिन तक हूँ, अपनी माँ से दम करा कर घर से निकला करो, लोगों की नज़र लग जाती है।
चले आंटी आए मैं आपके लिए नाश्ता बनाऊं। अरे इतनी अच्छी तरह तैयार होके किचन में क्यों जा रही हो? अम्मी तुम्हारी बना रही है ना नाश्ता। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा तो तुम भी इसी वक्त जाते हो? जी अभी कुछ दिन से जाना शुरू हुआ। माशाल्लाह अल्लाह कामयाब करे। सबा आंटी तौसीफ की लॉटरी निकली है। अच्छा बिल्कुल की पोस्ट पर जाकर बैठा है। एक स्टैंप लगाने के लाखों। नहीं भाई नहीं, मेरा बेटा रिस्के हलाल कमाएगा इंशाल्लाह। जी मैडम मक्खन लगाऊं आपको? अरे वो तो आप लगाती रहती हैं, मैं खुद लगा लूंगी। जी तौसीफ मियां आप अखबार में मगन है। मैं ये कहना चाह रही थी कि बहुत मेहनत की है आपने भी और आपकी खाला ने भी, और अल्लाह ने फल भी दिया है भाई। अब तो मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी सी लड़की ढूंढूंगी जो आपकी भी खिदमत करे और आपकी खाला की भी। आंटी आपको तो लोगों की दुआएं लेनी चाहिए, आप क्यों किसी प्यारी बच्ची की बद्दुआ लेंगे? क्या मतलब? मतलब को छोड़ो, तुम आराम से नाश्ता करो। इनकी चोंचे आपस में लड़ती रहती हैं, बच्चों की तरह लड़ते हैं, हर वक्त लड़ते रहते हैं। खाला अम्मी मैंने बड़ों का हाल देखा है, इसीलिए मैं बच्चा ही रहना चाहता हूँ, मुझे बड़े होने का कोई शौक नहीं है। आप आराम से तसल्ली से बड़े हो जाएं, जब आप हो जाएंगे हम आपकी शादी कर देंगे। देखा मैं कहती थी ना बेटा, ये जरा तो भाई फिर मिठाइयों के टोकरे का ऑर्डर दे दिया जाए। अरे नहीं भाई इतनी जल्दी ना करें, कहीं और देरी ना कर दे। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? अभी तक आप लोग उससे मिले नहीं है, आप लोगों ने देखा ही नहीं है उसको। तुमने देख लिया ना? समझो हमने देख लिया, कम से कम कोई फैसला तो किया तुमने। बाय द वे ये सिर्फ वन साइडेड है। नो तलाल, मैं ये तुम्हारा मजाक दोबारा अफोर्ड नहीं कर सकती, प्लीज कुछ तो रहम करो मुझ पर। मुझ पे भी जरा हाथ हल्का ही रखना बेटा, वक्त के साथ साथ दिल कमजोर हो जाता है। अरे बाबा मम्मी ने मुझसे पूछा कोई लड़की तुम्हें पसंद है, मैंने सच सच बता दिया हाँ एक लड़की है मुझे अच्छी लगती है, अब मैं कल बात कर लूंगा उससे। कल क्यों, आज कर लो। ठीक है मैं बात करता हूँ। बेटा कोई भी खुशखबरी ना बगैर कंफर्मेशन के नहीं बोलनी चाहिए। हाँ यादा सच जो है ना वो पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। आप दोनों खुश नहीं है? इतना काफी नहीं है कि एक लड़की है मेरी जिंदगी में? कहाँ है नजर, कहाँ आई हमें? हर रोज मिलता हूँ, रोज बातें करता हूँ उससे। एक थी जूलियट और एक मैं हूं। ना अच्छा मौका मिला था, मैं कैसे बात करूं? रिबा को ही कोई बात करनी होगी। सब आंटी इस तरह नहीं जाएंगी। सर ये सब फाइलें ले जाऊं? क्यों बहुत जल्दी है? नहीं कोई जल्दी नहीं, आप घर ले जाएं, मैं तो ऐसे ही कह रहा था। बकवास बंद करो। ठीक है सर। मेरे ख्याल में फोन पे बात करना आसान होगा।
आखिरकार उसे ये तो बताना ही होगा कि उसके बगैर जिंदगी का तसव्वुर भी नामुमकिन है। मैंने एक बात कहनी। जी। अम्मी आना चाह रही थी तुम्हारे घर तुम्हारी अम्मी से मिलने के लिए, इजाजत है? नहीं नहीं अभी नहीं। क्यों? वो आजकल घर में गेस्ट आए हुए हैं। तो तलाल आप प्लीज समझने की कोशिश करें, मुझे अम्मी से भी तो बात करनी होगी ना। रिफत तुम्हें पता है दुनिया का सबसे आसान काम क्या है? अपनी माँ से बात करना, उनको एतमाद में लेना। माँ तो बच्चों की बात अमानत के तौर पर रखती है। जानती हूँ, लेकिन आजकल आंटी सभा आई हुई हैं और अम्मी हर वक्त उनके साथ होती हैं। आंटी सभा? ओ, हमारी नेबर होती थी, फिर वो दुबई चली गई और आजकल वो वापस आई हुई हैं। फिर ओ एक्सक्यूज मी, हेलो, ज़्यादा बिजी तो नहीं हो? उफ़ तौसीफ, तुम क्यों इतना पॉज दे के बात कर रहे हो, जल्दी बोलो क्या है। अकेली हो? यार मिस्ट्री क्यों क्रिएट कर रहे हो, जल्दी बोलो क्या बात है। जल्दी वाली बात नहीं है ना असल में। अच्छा तो फिर घर आकर आराम से बात हो जाएगी, अभी मैं ऑफिस में हूँ, तलाल से कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर रही हूँ। ओके तलाल, ठीक है, टेक योर टाइम। हाँ बाय। तलाल चले लंच करते हैं, वहीं बात करते हैं। हाँ मैंने वसीम को कह दिया, अभी ला रहा है खाना। आज भी आपका मैं आधा खाना खाऊंगा? नहीं, मैं आज आपके लिए लाई हूँ लंच। क्या? Oh, what a pleasant surprise. That's really sweet of you. By the way तलाल, आपने फरीन की मेल देखी थी? हाँ देखी थी, लीव पे गई हुई और बड़ी ऑफिशियल तरीके से लीव की एप्लीकेशन भी दी है। जाहिर होता है सीरियस हो गई है काम में। हाँ बहुत अच्छा चेंज है। पता नहीं वसीम कहाँ रह गया। अरे व्हाट अ सरप्राइज। वाकई व्हाट अ सरप्राइज। तुम तो आज लीव पे थी, ऑफिस कैसे आ गई? मेरे आने से तुम लोगों को खुशी ज्यादा है या परेशानी? परेशानी किस बात की भाई। हाँ और आज तुमने ऑफिशियली ऑफ लिया हुआ है, तो हमारे साथ लंच करो। आई प्रॉमिस हम काम की कोई बात नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच। तुम लोग यकीनन लंच करने बाहर जा रहे होगे? नहीं नहीं, रिबा के घर से लंच आया है, मैं उसमें से बस थोड़ा सा खाऊंगा। फरीन मैं तुम्हारे लिए कुछ ऑर्डर कर दूँ? नो थैंक यू वेरी मच, मैंने नाश्ता लेट किया था। रिलैक्स कर रही हूँ। इसे क्या हो? पता नहीं। पैक कर दीजिए। ये पैक कर दूँ? हाय तौसीफ, हाउ आर यू? ओ हाय, भाई वाह, अकेले के लिए शॉपिंग?
क्या मतलब अकेले अकेले? भाई मैं तो ये समझता हूँ कि तुम हर वक्त रिबा के साथ ही रहती हो, या जहाँ जाती हो रिबा को लेके जाती हो। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हर इंसान के लाइफ में अपने अपने काम होते हैं, वो अपने कामों में बिजी रहती है, मैं अपने। बल्कि तुम क्यों नहीं कोशिश करते उसको हर वक्त अपने साथ रखने की? हालांकि वो तो तुम्हें कुछ नहीं रहने दो। क्या क्या वो तो क्या, बात पूरी करो। नहीं नहीं कुछ नहीं। फरीन प्लीज बात पूरी करो। क्या? आई थिंक शी लाइक्स यू, पसंद करती है वो तुम्हें, मुझे ऐसा फील होता है। नहीं, वो मेरी एक नंबर की दुश्मन है, वो मुझे पसंद करती है। तुम मजाक कर रही हो। वो तुम्हें पसंद करती है, वरना कोई लड़की किसी लड़के के बारे में बार बार बात नहीं करती। थैंक यू, ओके बाय। फरीन, फरीन एक मिनट। हाँ क्या हुआ है, कुछ पूछना चाह रहे हो? नहीं, इट्स ओके, लीव इट, कुछ नहीं। देखो तौसीफ, अगर तुम इसी तरह से डबल माइंडेड रहोगे ना, तो वो तुम्हारे हाथों से निकल जाएगी। इसलिए मेरा मशवरा है, जाकर उससे बात करो, वो वाकई तुम्हें पसंद करती है। हाँ मुस्कुरा रही हो, खैरियत तो है? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तलाल ने अपनी लड़की पसंद कर ली है। आप मेरी खुशी का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जितनी खुश तुम हो उतनी खुशी मुझे भी हुई है। तलाल ने बहुत वेट कराया है, लाख लाख शुक्र अदा करो, उसे कोई लड़की पसंद तो आई है। अब हम वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, जब लड़की मिल गई तो वेट क्यों करें? उसने लड़की से ना फैमिली से अभी तक मिलवाया कब है हमें, पहले मिलवा तो ले। अरे तो पीछे पड़ जाओ उसके। कमाल करते हैं आप, बच्चा है वो जो मैं उसके पीछे पड़ जाऊं? अरे जितनी तुम फिक्रमंद रहती थी ना, तुम्हें देखकर मैं तुमसे ज्यादा फिक्रमंद हो जाता था। अब उसने शादी की हामी भर दी है, आप उससे पूछो किस बात का वेट करा रहा है हमको। ठीक है, मैं आज ही बात करती हूँ उससे। मैं मजाक नहीं कर रही असफर, तुम्हें कम से कम दो दिन के लिए तो जरूर आना चाहिए। तुम्हें मेरी आवाज से नहीं लगता कि मैं आजकल कितनी खुश हूँ। हाँ हाँ ठीक है, आज रात ना मैं तुम्हारी आंटी दुधदाना की तरफ ही होंगी, मौका मिला तो आराम से बात करूंगी, ठीक है ना? ओके, अल्लाह हाफिज। हाँ अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। ये जनाब किससे हंस हंस कर बातें हो रही थी? अरे भाई वो असफर का फ़ोन था, अभी ऑफिस में ही है, घर नहीं गया। अच्छा, हाय बड़ी मेहनत की है उसने, अल्लाह का शुक्र है, और अल्लाह ने सिला भी दे दिया। मैं तो शुक्र अदा करती हूँ कि बच्चे सेट हो गए। बहुत अच्छी बात है। दो दिन के लिए असफर आ रहे हैं, अब क्या उनको कहीं से इन्विटेशन आया? अरे कैसा इन्विटेशन बेटा, ज़बरदस्ती है, तुम्हारी माँ तुम्हें बताएगी। अच्छा अम्मी, वो दो दिन के लिए क्यों आ रहे हैं? हाँ बेटा बता दूँगी, बता दूँगी बाद में। अरे इतनी क्या छुपाने वाली बात, काम से ही आ रहे होंगे, है ना? बस बता दूँगी ना बाद में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। भाई तुमने कहा था मैं लेट आऊँगा, इसलिए हम तो चाय पी चुके हैं। खाला अम्मी बस ऐसी इत्तेफाक से जल्दी आ गया। मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ, तब तक तुम आईना साफ कर लो। आईना? बेटा आती उसे आईना को साफ करवा रही हो? एक्चुअली आंटी, तौसीफ ने मुझे रात को एक शेर सुनाया था, ये उसकी सजा है। शेर? आंटी हमारी शर्त लगी थी और वो शर्त में जीत गई, तो आपने मुझे अभी 100 रुपीज देने हैं। भाई वो कौन सा शेर था, हमें भी तो सुनाओ। तो सुनिए, उम्र भर मोहसिन यही भूल करते रहे, उम्र भर मोहसिन यही भूल करते रहे, धूल चेहरे पर थी आईना साफ करते रहे। मैं फ्रेश हो गया हूँ। तौबा है आजकल के बच्चे भी। रीबा बचपन में असफर को भी इसी तरह तंग करती थी, अब तक याद है उसे?
अशफर को बचपन की बातें अभी तक याद हैं। अरे भाई आएगा तो पूछ लेना, बिल्कुल कोई बात नहीं भूला। अच्छा 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 थैंक यू फरीन, तुमने मुझे एक कंफ्यूजन से तो निकाला। मगर बात तो खाला अम्मी से करना पड़ेगी और ये एक बहुत मुश्किल काम है। बहरहाल कुछ तो करना होगा। अरे तौसीफ, रात को बाहर क्या टहल रहे हो? वो बस ऐसी नींद नहीं आ रही थी इसलिए। सब ठीक तो है? हाँ ठीक है। हेलो, कहाँ घूमो? और ये क्या मशकूक थैला पकड़ा हुआ है तुमने? ये जी नहीं। क्या है इस थैले में? ये तुम्हारे लिए। इसमें कुछ नहीं है ऐसा। प्रॉमिस करो। प्रॉमिस? अच्छा, लेकिन जब मैं चला जाऊं फिर खोलो। ओके, इसमें कुछ है? कुछ नहीं। अरे तौसीफ, तो कीमती बैग। पागल, ये तो कमाल हो गया। ठीक है फिर रेस कोर्स में मिलते हैं संडे को। ओके बाय। हेलो, क्या काफ़ी देर से तुम्हें कॉल कर रही थी, तुम्हारा फ़ोन बिजी जा रहा था। हाँ एक दोस्त से बात कर रहा था। तुम कहो कि कैसे फ़ोन किया, कभी इतनी लेट तुमने फ़ोन नहीं किया। अंकल की तबीयत तो ठीक है ना? अंकल बिल्कुल ठीक है। अब तुम ये पूछोगे आंटी कैसी हैं, तो वो भी बिल्कुल ठीक हैं। आई एम श्योर आंटी के पूछने के बाद तुम पूछोगे कुक कैसा है, वो दिन को छुट्टी लेके चला गया है, और चौकीदार की खांसी वैसी की वैसी ही है, और गार्ड जो है उसको भी खांसी है, वो गन लोड करने के काबिल नहीं है क्योंकि उसकी खांसी से ही लोग डर जाते हैं। वेरी फनी, लगता है बहुत अच्छे मूड में हो। कल ऑफिस आ रही हो ना? आई डोंट नो, लेट्स सी, अगर मूड हुआ तो आ जाऊंगी। नहीं, क्या मतलब है, अगर तबीयत ठीक है तो ऑफिस क्यों नहीं आ रही, मुझे समझ में नहीं आई। ऑफिस आऊँगी तो आकर समझाऊंगी। वैसे आज तुम्हारा मूड बड़ा अच्छा लग रहा है, खैरियत? हाँ बस ऐसे ही सोचा थोड़ा काम कर लेता हूँ। तुमने मुझे अभी तक ये नहीं बताया इस वक्त फ़ोन क्यों किया है। मुझे भी नींद नहीं आ रही थी इसीलिए तुम्हें कॉल कर दी। हाँ तो रिबा से बात कर लेती, वो तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है ना, मुझे क्यों फ़ोन किया? क्यों, तुम्हें मेरा फ़ोन करना बुरा लगा है? ठीक है आइंदा नहीं करूँगी। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। बेस्ट फ्रेंड होते हैं वो, उनके कॉमन इंटरेस्ट होते हैं, ऐसे में शायद तुम उसको फ़ोन करके ज़्यादा खुश होगी। गुड नाइट तलाल। गुड नाइट।
समझ नहीं आती इससे कैसे बात करूं। अरे अम्मी आप इस वक्त? हाँ बेटा, नींद नहीं आ रही थी। अच्छा, तुम्हारी फिक्र लगी हुई थी। मेरी फिक्र? अब मैंने क्या किया है? बेवकूफ, तूने कुछ नहीं किया। हर माँ को अपनी बेटी की फिक्र लगी रहती है कि कब खैर खैरियत से शादी करके अपने घर जाए। तो ये घर मेरा नहीं है? नहीं है। तुम्हारा घर वो होगा जहाँ शादी करके तुम जाओगे। ये तुम्हारी माँ का घर है। बहुत अफसोस की बात है अम्मी। और एक किस बात पे अफसोस है? जिस घर को इतने सालों से मैं अपना घर समझ रही थी, वो तो सिर्फ और सिर्फ आपका घर है। हाँ ना, अब तुम जहाँ शादी करके जाओगी, तुम्हारे शौहर का घर तुम्हारा होगा और तुम यहाँ मेहमानों की तरह होगी। तोबा तोबा तोबा, और वो कैसा मेहमान है जो एक दफा आया है और जा ही नहीं रहा। अच्छा मैं मजाक छोड़ो, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। दिन भर मौका नहीं मिलता। मुझे पता है आपने क्या जरूरी बात करनी है कि मैं कमजोर हो गई हूँ, मुझे जॉब छोड़ देनी चाहिए, मुझे अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। अम्मी आपको दिखाना ही भूल गई। क्या है ये? ये देखिए। अरे बाजार गई थी तुम? नहीं। हाँ, तौसीफ ने गिफ्ट किया है। बेटा ये कब गिफ्ट किया? तौसीफ गया था अपने लिए चीजें लेने, तो मेरे लिए ये लेते आया। अरे ये तौसीफ लेकर आया है? कमाल है, उसने मुझे बताया ही नहीं। कितना खूबसूरत बैग है। अभी उसकी नई नई जॉब लगी है, क्या जरूरत थी इतना महंगा बैग खरीदने की? अम्मी मुझे तो बहुत पसंद आया है। पागल लेकिन जिस अंदाज में देख गया है, जैसे पड़ोसी खीर या हलवा रख कर नहीं चले जाते। बिल्कुल वैसे। नादान है अभी, आहिस्ता आहिस्ता समझेगा। कैसा लग रहा है? वैसे बहुत खूबसूरत है। ऑफिस लेकर जाऊंगी। फरीन उठ गई? वो तो निकल भी गई। निकल गई क्या मतलब? तो इसने छुट्टी इसलिए की थी कि वो रेस्ट करेगी, बता के तो गई होगी। तैयार होके कमरे से निकली है, कहने लगी मैं जा रही हूँ किसी काम से, और बस एकदम निकल गई। मैं तो उसे आवाज़ ही देती रह गई पीछे। सारा मुझे लगता है मेरी बेटी कुछ डिस्टर्ब है, करा तुम उसे अपने पास बिठाकर पूछो तो सही, क्या प्रॉब्लम है उसे? वो बैठे तो सही ना, कल से सोई जा रही थी और अभी उठी है तो बस निकल गई। ठीक, शाम में उससे बात करते हैं। जी क्या हुआ कंसाइनमेंट का? कैसी हो बीनेश? गुड मॉर्निंग मैम। ये क्या है? मैम हादी बिल्डर्स वाले एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, उसके सिलसिले में एक बिजनेस डिनर है, तो तलाल साहब इनवाइटेड हैं। ये तो दो लोगों की इनविटेशन है बीनेश। जी तलाल साहब इनवाइटेड हैं और वो अपने साथ एक पर्सन को लेकर जा सकते हैं। फिर तो मैं ही जाऊंगी तलाल के साथ। अच्छा ठीक।
आप बाहर क्यों खड़े हुए थे? अंदर आ जाते, प्लीज बैठे। थैंक यू। तुम अपने ख्वाबों का महल देख रही थी और मैं तुम्हें देख रहा था। वैसे इतनी गौर से क्या देख रही थी? मैं मिसेस शर्वानी का प्लान उनकी नजरों से देख रही थी। अच्छा अच्छा। लेकिन मैं काफी देर से बकिंघम पैलेस का एक्सटीरियर देख रही हूँ। ये देखिए, कितने रूम्स होंगे इस पैलेस में? मुझसे पूछ रही हो तुम? हाँ जाहिर है। यार बड़ा मसला हो गया। पिछले साल क्वीन ने मुझे बुलाया था अपनी बर्थडे पे, कुछ मसरूफियात की वजह से नहीं जा सका। अगर गया होता तो सारे कमरे गिन कर आता कितने, बता देता। आई मिस्ड इट। वैसे एक बात कहूँ, इस नक्शे को ना तुम मिसेस शेरवानी की नज़र से मत देखो, अपनी नज़र से देखो, क्योंकि वो तो हज़ार गज के प्लॉट पर अदनान कशोगी का फार्म हाउस बनाना चाहती हैं, प्रेसिडेंट मार्कोस का महल बनाना चाहती हैं, और शेरवानी साहब कहते हैं कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, 3 हिस्सों में वो मुझे पेमेंट करेंगे। हाँ वैसे औरत शायद ख्वाबों का महल सजाने के लिए ही पैदा हुई है। औरत प्यार के लिए तख्लीक हुई है। एक बात तो बताना भूल गया, आज रात का डिनर है, तुम खुद आओगी कि गाड़ी में भेजो? फरीन, कैसी तबीयत है तुम्हारी? देखो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, क्यों ऑफिस क्यों आई हो? कल भी तुम आ गई थी, आज भी आ गई, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए ना। मेरे यहाँ आने से मसला है कोई? देखो कल भी तुम ऑफिस आ गई थी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए ना, जाओ आराम करो। कर जा, मुझे कोई काम था इसीलिए आई हूँ, चली जाऊँगी। क्या काम? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, चलो मैं तुम्हें छोड़ दूँ। थैंक यू तलाल, तुम लोग प्लीज़ थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो, आती हूँ, मुझे वैसे भी तुमसे कुछ बात करनी है। ओके, आई एम वेटिंग। आओ रिबा। क्या हो गया तुम्हें? क्या बातें कर रही हो तुम? कई दिनों से मैं नोट कर रहा हूँ कि तुम मुझसे और रिबा से बहुत ही रूडली बात कर रही हो। अपने नाम के साथ रिबा का नाम लगाना ज़रूरी है क्या? ये बात खुद के लिए भी तो बोल सकते हो। क्यों, क्या हो गया अगर मैंने रिबा का नाम जोड़ दिया? हमारी कॉलीग है, अच्छा काम करती है, बहुत ही प्रोफेशनल है। तुम हर बार हाँ। आप ये ड्राफ्ट अप्रूव कर दें प्लीज़, ताकि मैं इसको भेज दूँ। लिसन प्लीज़, तुम थोड़ी देर बाद आ जाना, मैं ज़रूरी बात कर रही हूँ उससे। सॉरी। नो इट्स ओके। ये क्या हरकत है? क्यों क्या हरकत है? तुम ज़रूरत से ज़्यादा इस लड़की की हिमायत नहीं करने लग गए? कितना जानते हो इसको? मुझसे ज्यादा जानते हो क्या इस लड़की को? तुम क्या जानती हो इसके बारे में? मैं इसके बारे में ये जानती हूँ कि ये और इसका कजन तौसीफ एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। तुम मिल चुके हो उस लड़के से। कौन, तौसीफ? जी, इसमें इतनी हैरानगी की कौन सी बात है? दोनों कजन हैं, घर में रहते हैं, प्यार करते हैं एक दूसरे से, व्हाट्स द बिग डील? इतनी खामोशी से चले गए। कुछ बोलने से पहले सोच लिया करो, क्योंकि अल्फाज आजाद परिंदों की तरह होते हैं। इंसान का दिल ना उसके चेहरे से नजर आता है, क्योंकि दिल की रोशनी से ही चेहरे चमकते हैं। तंग आ गई हूँ मैं ऐसी जिंदगी से। तुम औरतें बहुत ज्यादा जज्बाती होती हो। मेरी
मेरी एक ही तो बेटी है, उसको भी इतनी दूर ब्याह दूं। दिल दुखाने वाली बातें ना करो। समझ नहीं आ रही क्या करूं, कभी असफर की तरफ देखती हूँ, कभी तौसीफ की तरफ।